हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल जी टू सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना था एंगल ए और एंगल बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स ए बी सी, ठीक है, वहाँ एक कंडीशन दिया था कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो यहाँ से कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। तो कॉस ए इक्वल टू निकालने से पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए, पी बी पी एच एच बी। कॉस क्या होता है, यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ से एंगल क्या है मेरा, एंगल ए बन रहा है। तो एंगल ए डायग्राम में कहाँ से, ए ना, तो ये एंगल ए है, तो ये इसका बेस होगा, बेस क्या होगा, ए सी। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस यहां से यहां तक है, तो क्या होगा, ए बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एंड कॉस बी निकालना है, कॉस बी एंगल कहां से बन रहा है, यहां से, सेम ये भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट बेस इसका क्या होगा, सी बी, हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी, ठीक है। तो आगे करते हैं, बट क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए का वैल्यू दिया है देखो यहाँ पर, मीन्स ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस बी का वैल्यू दिया है, सी बी अपॉन ए बी, है ना। आप देखो यहाँ से, देखो ए बी हट जाएगा, सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर है ना। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ए सी इक्वल टू सी बी, सिंस इन ट्राइंगल्स ए बी सी ए सी इक्वल टू बी सी, इसको लिख सकते हैं। तो जो ए सी था, ए सी और क्या है, बी सी, दोनों ऐसी भी है ना, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, क्योंकि एंगल अपोजिट साइड। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7.8 दी है, तो देन मुझे फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन सभी के, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस और माइनस, ठीक है। ये दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो आगे हम करते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू दिया है 7/8, ये हम जानते हैं, ये कॉट थीटा इक्वल टू था बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया है तो एच चाहिए ना। तो यहाँ से पहले p इक्वल टू क्या दिया है, देखो 7, p इक्वल टू 8, तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस का दिया है, बेस कितना दिया है, देखो 7, 7 का स्क्वायर, ये 8 दिया है, 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 49, इसका स्क्वायर होता है 64, ये क्या है, एच स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 113। जब एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये रूट में चला जाएगा 113। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। बी दिया है, पी दिया और एच दिया था, तो सबसे पहले मुझे चाहिए साइन थीटा,
ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देख लेना फिर से, पी बी पी एच एच बी, तो ये साइन यहाँ पर होता है, तो पी अपॉन एच, पी का वैल्यू दिया है 8, एच का वैल्यू दिया है अंडर रूट में 113। इसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच होता है, बेस कितना दिया है यहाँ पर देखो 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू दिया है, अभी निकाले हैं हम 8 अपॉन अंडर रूट में 113 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे में क्या होगा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 113 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाले हैं, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट में 113 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 7 अपॉन 113। देखो आप ऊपर से देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो हम जानते हैं क्या है, यहाँ पे देख लो a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, पहला लेकर स्क्वायर और दूसरा लेकर स्क्वायर, तो यहाँ पर वही चीज़ करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर, इसी तरह नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 8 का स्क्वायर 64, ये रूट से बाहर आ जाएगा 113। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन इसका रूट से स्क्वायर 113। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे क्या होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, फिर सभी का अपॉन क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे देखो क्या होगा 113 माइनस 49 अपॉन क्या 113, देखो ना ये देखो इससे कट जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा 49, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 64, ठीक है। इसी तरह यहाँ पूछ रहा है सेकंड में सी में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, तो हम जानते क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू जानते हैं दिया है 7 अपॉन 8, क्या करते हैं स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड ना जी, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो ये क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 7 का स्क्वायर क्या जानते हैं हम लोग, 7 का स्क्वायर हो जाता होता है 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल J2 सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, थैंक यू बच्चों।